यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी पूरी पूरी जो अपनी काउंसलिंग होती है वो JEE मेंस के थ्रू ही कर रही होती हैं। तो दो तरह के बच्चे यहाँ पे पर्टिकुलरली चाहिए, वो बच्चे यार जो कम मार्क्स भी रहते हैं 40, 45, 50 के आसपास भी स्कोर कर लेते हो, तो यहाँ पे आराम से आपको कोर ब्रांचेस मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे UPTech की काउंसलिंग के थ्रू होता है उत्तर प्रदेश। सो हेलो गाइस, यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है अगर आपके 75% से लेस हैं बोर्ड में। और दूसरा ये कि यार अगर आप JEE में लेस स्कोर कर रहे हो या फिर आपकी तैयारी उतनी बढ़िया नहीं है तो मेक श्योर करो कि इस वीडियो को कंप्लीट देखो। यहाँ पे दो छः इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। इतना आपको मार्क्स चाहिए JEE के अंदर टॉप कॉलेजेस को लेने के लिए। मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप NITs, IIITs की टारगेट करें। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट लेवल के कॉलेजेस हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी पूरी पूरी जो अपनी काउंसलिंग होती है वो JEE मेंस के थ्रू ही कर रही होती हैं। तो दो तरह के बच्चे यहाँ पे पर्टिकुलरली चाहिए, वो बच्चे यार जो कोर ब्रांचेस भी ले सकते हैं तो उनको कुछ नहीं करना है। अगर वो 40 के नीचे भी स्कोर कर रहे होते हैं तो उनको कोर ब्रांचेस वहाँ पे मिल जाते हैं। बट लेकिन चाहिए यार कि आपको CSE जैसी ब्रांचेस ले आओ, CSE कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस आप में चले जाओ, तो अराउंड आप 100 मार्क्स 110 मार्क्स इतना आपको स्कोर करना होता है, 100 से 110 नंबर बस। अगर आप इस क्राइटेरिया में लाई कर गए तो आप इन टॉप स्टेट कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले पाओगे। तो बात करते हैं कौन कौन से होने वाले हैं वो। तो देखिए अगर UP के अंदर स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पे HBTU होता है, हार्कोर्ट बटला टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो अपनी काउंसलिंग JEE मेंस के थ्रू कर रहा होगा, है ना। इसमें भी CSE के लिए 110 नंबर तक अगर आप ले आते हो तो CSE IT जैसी ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वहीं पे MMUT मदन मोहन मालवीय भी करवाता है, एंड JIT नोएडा, यहाँ पे 90 से 100 के अंदर भी अगर आप आ जाते हो तो CSE IT जैसी ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी अगर कोर ब्रांचेस के ऊपर बात करें तो कोर ब्रांचेस का कुछ ऐसा सीन नहीं है। अगर कम परसेंटाइल भी आपकी रहती है, फॉर एग्जाम्पल कम मार्क्स भी रहते हैं 40, 45, 50 के आसपास भी स्कोर कर लेते हो, तो यहाँ पे आराम से आपको कोर ब्रांचेस मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे UPTech की काउंसलिंग के थ्रू होता है, उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन जो ये अपनी काउंसलिंग है इसके थ्रू IIT, KNIT, BIT और JSS नोएडा जैसे टॉप के कॉलेजेस आपको मिल रहे होते हैं। एग्जैक्टली सेम क्राइटेरिया है, 90 से लेके 100 मार्क्स तक अगर आप ले आते हो तो इनमें आराम से CSE मिल रही होती है। अगर JSS जैसे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 80 मार्क्स तक भी ले आओगे आप तो यहाँ पे CSE मिल रही होगी, राइट। फिर कुछ यार टॉप के कॉलेजेस आते हैं लाइक TTU, NSUT, है ना, IGDTW। तो IGDTW तो है वो वुमेंस के लिए ही होता है, बाकी ये जो जैक दिल्ली के काउंसलिंग से लेते हैं और ये NSUT, IIIT दिल्ली एंड DTU ये भी जैक दिल्ली के काउंसलिंग से लेते हैं। तो यहाँ पे आपको CSE लाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना होता है, बट अराउंड अगर आप 80 से 90 मार्क्स या 100 के मार्क्स में भी हो और आप काउंसलिंग ढंग से करते हो तो इसमें CSE नहीं लेकिन डिसेंट ब्रांचेस आपको स्पॉट राउंड की काउंसलिंग तक मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल जैसे ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस, ये सारे ब्रांचेस आपको स्पॉट में मिल जाते हैं। फिर यार IPU की काउंसलिंग आती है, IPU मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये भी जो पूरी पूरी काउंसलिंग जितनी भी काउंसलिंग मैं बता रहा हूँ सब JEE मेंस के थ्रू ही होते हैं। तो इसमें भी यार टॉप के कॉलेजेस लाइक USICT अपना जो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में एस्टैब्लिश है, IPU से अपनी काउंसलिंग कराता है। IPU दिल्ली के अंदर मैट आ गया, MSIT आ गया, BPIT आ गया, तो ये लोग सब लोग जो है अपनी काउंसलिंग जो है JEE के थ्रू करते हैं। एंड क्राइटेरिया वही रहने वाला है, अगर आपके 100 से लेके 110 तक है तो इसमें आप CSE ले लोगे बड़े आराम से इन कॉलेज में। BPIT जैसे कॉलेज की बात करें तो आप 80 और 70 से 80 स्कोर करके भी आराम से CSE ले सकते हो। तो आपको इसी फैक्टर में आपको रहना है, इसी वाले फैक्टर में आपको रहना है और यहाँ पे आपका काम बनता चला जा रहा है। कुछ और कॉलेज के ऊपर बात कर लेते हैं जो टॉप के कॉलेज है। अब MP स्टेट के अंदर आ जाते हैं, कुछ हिडन जेम्स यहाँ पे भी छुपे हैं जो काफ़ी हद तक क्या रही है, काफ़ी सारी NITs के ऊपर आती है, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर SGITS इंदौर के ऊपर बात कर ले तो ये भी काफ़ी टॉप नॉच का कॉलेज है। MPDT में डेफ की बात कर ले, IIT डेफ की बात कर ले, ये भी काफ़ी टॉप नॉच का कॉलेज है। एक सीक्रेट बता रहा हूँ, यहाँ पे होता है CLC राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। इसमें यार अगर आपकी रैंक अपने अगर 100 नंबर तक भी स्कोर कर लिया है, आपकी रैंक 1 लाख तक भी है ना अराउंड समवॉट, अगर 90 मार्क्स भी हैं 1 लाख तक भी आपकी रैंक बन रही है तब भी आपको यहाँ पे CSE जैसे ब्रांचेस CLC में आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। MPDT के अंदर GC जबलपुर आता है, MITS ग्वालियर आता है, ठीक है, RGP भोपाल आता है, और LNCT इनका एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि काफ़ी लो स्कोर पे भी मिल जाएगा, 60 मार्क्स पे भी JEE के अंदर ये आप इसको ले सकते हो। उसके ऊपर बात कर ले कुछ और कॉलेज के लिए तो जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग होती है, जैक चंडीगढ़ में UIT टॉप नॉच कॉलेज है, अगेन क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, 90 से 100 मार्क्स में आपको यहाँ पे CSE मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यार CSE के अलावा आपको टॉप नॉच
सीएसई के अलावा जो आपको नीचे के ब्रांचेस हैं जो टॉप नॉच में भी आते हैं, लेकिन वो भी अगर आप ले लोगे तो आप 75 से 85 के बीच में भी रहोगे तब भी मिल जाएगा। मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक जाती है, 40 नंबर से लेस वालों को भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इतनी सारी काउंसलिंग है, हरियाणा के अंदर भी दो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, हरियाणा में जेसी बॉस आता है, दीन बंधु आता है, इनका भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, राइट। फिर डब्ल्यू बी जे की काउंसलिंग होती है, डब्ल्यू बी जे की काउंसलिंग के बाद एम एस टी सेट भी बसता हुआ है। तो ये सारे जो काउंसलिंग होते हैं यार, यहाँ पे टॉप नॉच कॉलेजेस होते हैं और उन टॉप नॉच कॉलेजेस का क्राइटेरिया यही होता है कि यार आप 100 से लेके 110 नंबर तक ले आओ, आपकी सी एस सी कन्फर्म हो गई, राइट, आपकी 100% सी एस सी कन्फर्म हो गई। अगर आप कोर ब्रांचेस में जाना चाहते हो इनमें तो कोई मसला ही नहीं, अगर आपके 40 नंबर तक भी हैं तो आप कोर ब्रांचेस को ले सकते हो। मीडियोकर ब्रांचेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे होते हैं वो भी बाद में मिल ही जाता है। तो आई होप सो गाइस कि वीडियो समझ में आई होगी। जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और इस पर रेगुलर अपडेट्स हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। 7 AM से हम लोग काउंसलिंग में गाइड कर रहे हैं। मेक श्योर करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन